हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, द प्लेन जो चैप्टर है ज्योमेट्री 3D का, उस चैप्टर से प्लेन में। तो ये क्वेश्चन एक बार आप देख लो। द प्लेन एक्स प्लस बी वाई इज रोटेटेड अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन जेड इक्वल्स टू जीरो थ्रू एन एंगल अल्फा, सो दैट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द न्यू पोजिशन इज एक्स प्लस बी वाई प्लस माइनस जेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन अल्फा इक्वल्स टू जीरो। मतलब यहाँ पर दो प्लेन है, सपोज ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है प्लेन। तो सपोज ये z इक्वल्स टू जीरो वाला प्लेन है और ये x प्लस बी वाई इक्वल्स टू जीरो वाला प्लेन है। तो इसने रोटेट किया है इस अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ये लाइन को एक्सिस करके इसने रोटेट किया है अल्फा एंगल से। तो रोटेट होके सपोज ये यहाँ पर आ गया है, ओके तो इस न्यू पोजीशन में इसका इक्वेशन ये है, ये हमें दिखाना है। अब देखो, अगर दो प्लेन, ये वाला दो प्लेन है, तो इनकी जो इंटरसेक्शन से जाता हुआ प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? सपोज ये प्लेन का इक्वेशन है बी और इस प्लेन का इक्वेशन है ए, तो इस दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन लाइन से जाता हुआ कोई भी प्लेन का इक्वेशन होगा ए प्लस लैम्डा बी। सपोज इक्वल्स टू जीरो और इसका इक्वेशन है बी इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पर इसकी इंटरसेक्शन से जाता हुआ कोई भी प्लेन का इक्वेशन होगा ए प्लस लैम्डा बी इक्वल्स टू जीरो। इसको हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इक्वेशन को हम लिख लेते हैं कि अगर इस वाले और इस वाले प्लेन की इंटरसेक्शन से जाता हुआ कोई भी प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, ये वाला इक्वेशन प्लस लैम्डा इंटू ये वाला इक्वेशन। सो द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन ऑफ ए द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू जीरो और जेड इक्वल्स टू जीरो इज क्या होगा, ये वाला इक्वेशन प्लस लैम्डा इंटू ये जेड इक्वल्स टू जीरो। तो ये हो जाएगा ये वाला इक्वेशन हो जाएगा। तो ये इसको हमने नाम दे दिया एक। अब ये जो अल्फा जो एंगल होगा वो एक्चुअली क्या होगा, ये वाला जो इक्वेशन है वो और इसका बीच का एंगल होगा। दो प्लेन एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू जीरो और एक्स प्लस बी वाई जो न्यू पोजीशन है इसका, ये इसकी बीच की एंगल ही होगा अल्फा। ओके, ये जो अल्फा है, तो हमको पता है कि अगर दो प्लेन की बीच का एंगल कैसे निकालना होता है। तो मैं फिर से उसको यहाँ पर लिख लेता हूँ एक्स प्लस, तो इसे पहले हम सॉल्व कर ले। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, एक्स की कोएफिशिएंट को एक जगह पर रखते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स ओके बी वाई प्लस ओके ये तो सेम ही है लैम्डा जेड इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर एक्स की कोएफिशिएंट ए है, वाई की कोएफिशिएंट बी है और जेड की कोएफिशिएंट जेड है लैम्डा है। तो हम इसका इस प्लेन का भी इक्वेशन यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स प्लस बी वाई प्लस प्लस कुछ नहीं है इक्वल्स टू जीरो है। तो इसको हम नाम दे देते हैं दो। तो अब देखो, एक और दो की बीच की एंगल होगा अल्फा। यहाँ पर जो अल्फा को एंगल दिया हुआ है, ये एक्चुअली ये प्लेन और ये प्लेन, मतलब जो भी न्यू पोजीशन में है हमारा प्लेन, इसका बीच की एंगल ही है अल्फा। हमको दिखाना है कि ये और ये प्लेन सेम है, हमें इस क्वेश्चन को ड्राइव करना है इसमें। अब देखो, हमें पता है कि अगर दो प्लेन दिया हुआ है उसमें से हम एंगल को निकाल सकते हैं। हमारा फॉर्मूला था कॉस थीटा, तो हमें पता है कि एंगल कहाँ है, कितना है इसके बीच में। एंगल यहाँ पर अल्फा है, तो हम लिखेंगे कॉस अल्फा इक्वल्स टू इनकी कोएफिशिएंट की मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ पर ए इंटू ए बी इंटू बी बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू यहाँ पर जेड की कोएफिशिएंट क्या है, जेड नहीं है यहाँ पर, तो जेड की कोएफिशिएंट जीरो है, तो लैम्डा इंटू जीरो हो गया। और नीचे क्या हो जाएगा,
इसकी कोएफिशिएंट्स की स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू को निकालना है। मैंने फिर से इसे लिख लिया है। तो हमें इससे हमें लैम्डा की वैल्यू को निकालना है। तो पहले हम दोनों साइड में स्क्वायर कर लेते हैं। हमें कॉस अल्फा से टेन अल्फा निकालना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ पर टेन अल्फा से आंसर दिया हुआ है। तो हमें कॉस अल्फा को टेन अल्फा में ले जाना है, उसके बाद लैम्डा से टेन अल्फा की वैल्यू को निकालना है। अब देखो कॉस अल्फा दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या होगा, दोनों ही रूट में है तो सिर्फ रूट यहाँ से उठ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर दो दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल स्क्वायर दो है, यहाँ पर एक है, तो हम इससे इसको काट सकते हैं। यहाँ पर दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पर एक है, तो कट जाएगा, ऊपर में एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया है। अब देखो हमें इसको टेन अल्फा में ले जाना है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा को कैसे टेन अल्फा में ले जाते हैं, इसको हम सेक स्क्वायर कर सकते हैं। सेक स्क्वायर मतलब वन बाई कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये ऊपर में चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ओके, अब सेक स्क्वायर को कैसे टेन स्क्वायर में ले जाते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर अल्फा। सो टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर अल्फा प्लस वन इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो वन को उस तरफ से ले जाना पड़ेगा हमें, टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस लैम्डा, ये वन यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो मैं इसे डायरेक्टली कर रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। माइनस वन से अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि मैं या इस प्लस वन को इस तरफ से ले गया तो ये हो गया माइनस वन, और इससे ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ये दो सब कट जाएंगे, इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हो लैम्डा की वैल्यू निकल के आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पर अगर लैम्डा की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर अल्फा था, तो ये हो जाएगा टेन अल्फा। तो हमें लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर मिल गया है। अब देखो हमारा जो इक्वेशन था पहले वाला, जो कि हम ये जो इक्वेशन था इसमें अगर हम लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखो फ्रॉम वन तो ए एक्स प्लस बी वाई। ओके, अब देखो फ्रॉम वन ए एक्स प्लस बी वाई, यहाँ पर अगर लैम्डा जेड था, ओके लैम्डा की वैल्यू को अगर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टेन अल्फा इंटू जेड इक्वल्स टू जीरो। जेड को हम अगर हम यहाँ पर लाए तो आप देख सकते हो कि इक्वेशन हमारा सेम आ चुका है। यहाँ पर जेड को हम यहाँ पर रख देते हैं एक्स प्लस बी वाई प्लस माइनस जेड इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टेन अल्फा इक्वल्स टू जीरो प्रूव्ड। तो हमारा जो आंसर है वो आ चुका है, ये वाला जो हमें प्रूफ करने के लिए दिया हुआ था एक्स प्लस बी वाई प्लस माइनस जेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन अल्फा इक्वल्स टू जीरो। तो आप देख सकते हो कि हमारा आंसर जो है ये आ चुका है। तो पहले से मैं एक बार इसे रिवाइज कर देता हूँ कि क्या किया हमने। तो हमें बताया गया था देखो एक प्लेन है एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू जीरो और जेड प्लेन, तो जेड इक्वल्स टू प्लेन जीरो प्लेन के साथ जो इंटरसेक्शन लाइन था उसको एक्सिस करके ये प्लेन ने रोटेट किया है अल्फा एंगल से। अब दिखाओ कि जो न्यू पोजीशन है इस प्लेन का एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू जीरो वो है ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस माइनस जेड इंटू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन अल्फा, जो इक्वेशन हमें दिखाने के लिए बोला गया था। अब देखो हमने पहले क्या किया कि ये जो प्लेन था और ये जो प्लेन था इन दोनों का बीच की इंटरसेक्शन जो था उस इंटरसेक्शन से जाता हुआ कोई भी प्लेन का इक्वेशन हमने लिख लिया कि द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, ये दो प्लेन का
इंटरसेक्शन से ज़्यादा हुआ प्लेन का इक्वेशन ये होगा, ये वाला प्लेन प्लस लैम्डा इंटू जेड इक्वल्स टू जीरो। अब देखो हमें बताया गया था कि ये वाला प्लेन और जो न्यू वाला पोजीशन है प्लेन का उसके बीच का एक एंगल था अल्फा, ओके। तो ये वाला प्लेन और जो प्लेन दिया हुआ था एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, इनके बीच का एंगल था अल्फा। तो हमें पता है कि कॉस अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, इस वाला प्लेन का, ये वाला प्लेन का और ये वाला प्लेन का पहले कोएफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई करके उसका सम, मतलब इसका कोएफिशिएंट इनटू इसका कोएफिशिएंट, यहाँ पर वाई का कोएफिशिएंट इनटू इसका वाई का कोएफिशिएंट, उसको हमने मल्टीप्लाई करके प्लस कर लिया, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिला हमें। और उसके नीचे क्या होगा कि इसकी जो कोएफिशिएंट की स्क्वायर करके उसका सम होगा रूट करके, तो रूट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू रूट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो हमने इसको सॉल्व भी कर लिया है, कॉस अल्फा इक्वल्स टू ये, उसको कॉस स्क्वायर अल्फा किया, उसको वन बाई कर दिया तो सेक स्क्वायर अल्फा मिल गया, यहाँ पर भी ये ऊपर था नीचे आ गया। उसके बाद सेक स्क्वायर अल्फा का मतलब होता है टेन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि यहाँ पर आंसर टेन अल्फा से दिया हुआ था, तो हमने सेक स्क्वायर अल्फा को टेन स्क्वायर अल्फा में चेंज कर लिया। सेक स्क्वायर अल्फा होता है टेन स्क्वायर अल्फा प्लस वन, तो हमने लिख लिया इसको। उसके बाद ये जो प्लस वन यहाँ पर था वहाँ पर ले गया, तो टेन अल्फा का वैल्यू हमें मिल गया ये लैम्डा स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल लिया और लैम्डा की वैल्यू हमने निकाल लिया, तो ये वाले जो इक्वेशन था यहाँ पर हमें लैम्डा की वैल्यू नहीं पता था, तो लैम्डा की वैल्यू जब यहाँ पर हम पुट करेंगे तो हमें जो फाइनल आंसर मिल जाएगा, जो आंसर को हमने मतलब बोला गया था कि ये दिखाओ। तो वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। तो अगर आपको कोई भी जगह पर डाउट हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो, मैं वहीं पर उसे बताने की कोशिश करूँगा। तो मिलता हूँ मैं कोई अगली सी अच्छी सी क्वेश्चन लेकर। तो अगर आपकी कोई भी जियोमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको आप लिंक दे सकते हो, उसकी ड्राइव में सेव करके वो वाला क्वेश्चंस, तो उसकी लिंक आप दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा वीडियो पे। तो मिलता हूँ कोई अगली वीडियो पे अच्छी सी टॉपिक लेकर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।